आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास ज़मीन कम है, 5x7 का फार्म है और थोड़ा सा फ्री रेंज एरिया है और देसी मुर्गी पालन करने का जज्बा रखते हैं, उनके लिए है। और आज बात करने वाले हैं हम आफताब मुनफ परदेसी, जिनका ग्राम पोस्ट तहसील तीनों मनगांव है, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि इनका कारोबार पहले स्कूल बस का था, स्कूल बसें बंद हो गईं लॉकडाउन के बाद, ये क्या करें। तो ये यूट्यूब पर वीडियो तलाश रहे थे कि कोई ऐसा नया व्यापार मिल जाए। उसी बीच इन्होंने हमारे चैनल को देखा और देखने के बाद व्हाट्सएप पर मुझसे बातचीत हुई। आप भी व्हाट्सएप पर बात कर पाएंगे, मैं आखिरी में आपको सबको नंबर दूंगा। तो बातचीत होते होते इन्होंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा जगह है और मैं फार्म पर बहुत ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहता, लॉकडाउन खुल जाएगा मेरा फार्म बंद पड़ा रहेगा। तो मैंने बोला भैया छोटा सा एक पिंजरा जैसा बना लो, छोटा सा फार्म बना लो, तो 5x7 का फार्म बना लो और 200 मुर्गियां आप रख सकते हो, फ्री रेंज एरिया आपके पास है और वहीं नज़दीक से इनके पास बागान है, सब्जी लगाते हैं तो वहीं आप सब्जी भी खिलाइए, हरी सब्जियां भी मुर्गी खाती हैं तो आपको लागत कम आएगी। तो आप देख रहे हैं फीडर डेंकर के बिना पाइप में यहीं से ये सब्जी डाल देते हैं, कुछ दाना खिला देते हैं और छोटा सा फ्री रेंज एरिया है। अगर मान लीजिए कि ये बड़ा फार्म बना लेते, लॉकडाउन खुल जाता, इनका व्यापार चलने लगता, बस स्टार्ट हो जाती, तो फार्म कौन संभालता। तो टेम्परेटरी व्यवस्था करके इन्होंने 5x7 का छोटा सा पिंजरा बनाया और उस पर 200 मुर्गियां पालना स्टार्ट की। और कैसा पालन कर रहे हैं, कैसा शौक रखते हैं आपके सामने ये देखिए आप। जब गर्मी लगती है तो यहाँ राख डाल देते हैं गड्ढे में और पानी डाल देते हैं, तो सारी मुर्गियाँ अपने आप को जुएं से भी बचाती हैं और गर्मी लगती है तो यहाँ धूल से डस्ट से नहाती हैं, अपनी गर्मी ख़त्म करती हैं। इस तरीके से आफताब मुनफ परदेसी जी अपने फार्म को फार्मिंग कर रहे हैं और कुशलता से कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत लोगों ने हमारे चैनल को देखने के बाद, बात करने के बाद व्हाट्सएप पर जुड़ा और बहुत लोगों ने अपना देसी मुर्गी पालन का काम स्टार्ट किया। तो ये फार्म में जो अपना पिंजरा है उसी को फार्म कहें, उसी को हम पिंजरा कहेंगे। तो सवेरे पिंजरा खोल देते हैं, फार्म खोल देते हैं और जो फ्री रेंज एरिया इनका दिख रहा है इस पर ये सारी मुर्गियां दिन भर खेलती हैं, यहीं पर रहती हैं, यहीं घूमती हैं। बाजू में कुछ सब्जी लगी हुई है तो वो सब्जी जो एक्स्ट्रा बच जाती है, घर से बच जाती है, वो किचन वेस्टेज सब इसमें डाल देते हैं और सामने जो पाइप है इस पे दाना डाल देते हैं और यहाँ पर मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से छोटी छोटी कोशिश करके आप देसी मुर्गी पालन कर सकते हैं। बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है, फार्म पर जितना कम खर्च कर सकते हैं उतना कम खर्च करें, मगर सबसे ज़्यादा आप फोकस करें उनके प्रबंधन पर, उनको पालने का जो दाना है पानी है उसकी क्वालिटी मेंटेन करें, उनको खेलने की जगह मेंटेन करें, उनका खान पान पे ध्यान दें, उनको ग्रीन फॉडर खिलाएं, अच्छा दाना खिलाएं, अच्छा पानी खिलाएं। गर्मी में ये भी ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हमें गर्मी लगती है तो इनको भी गर्मी लगती है, तो गर्मी से बचाएँ, ठंड के दिन में ठंड से बचाएँ, बरसात के दिन में बारिश के पानी से बचाएँ। और इन सब तरीके से अगर आप देसी मुर्गी पालन करेंगे यकीन जानिए कि आप सफल और कामयाब होंगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो वीडियो चल रहा है उसके नीचे देसी मुर्गी पालन लिखा है, उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा है लाल रंग से, यहाँ उंगली रखिए, राइट साइड में बेल आइकन को दबाकर ऑल में कर लेंगे। अगर ये दोनों काम कर लेते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर टच करेंगे, नीचे आकर देखेंगे 10 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिलेंगे जहाँ पर मैं हर शाम 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन रहता हूँ, आपसे बातें करता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।